दोस्तों रिसेंटली ही खबर सामने निकल के आती है कि रूस से भारत में आने वाला कच्चा तेल अब महंगा किया जा चुका है, जिसके बाद भारत ने अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया है और कहा जा चुका है कि आपको जिसे भी तेल बेचना है आप बेचिए, हम आपसे तेल नहीं खरीद रहे। जिससे एक और बात साबित हो चुकी है कि भविष्य में दुनिया का कोई भी बड़ा देश भारत को आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। पास में हमने जो हालात पाकिस्तान और श्रीलंका के देखे हैं, भारत को ये स्थिति कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। जानेंगे इस वीडियो में पूरा मामला क्या है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत ने अपने सभी बिजनेस को पूरी तरीके से सैचुरेट नहीं बल्कि डाइवर्सिफाई करके रखा है, ताकि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की हमारे पर मोनोपोली ना हो पाए। और सेम यही पैटर्न देखा गया है भारत के ऑयल सेक्टर में, जहां भारत ने काफी बड़े स्केल पर रशिया से कच्चा तेल इंपोर्ट करना शुरू किया था, लेकिन जिससे हम पहले कच्चा तेल खरीद रहे थे लाइक ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, इनसे हमने ऑयल इंपोर्ट को कम्प्लीटली बंद नहीं किया था। और अब जब रशिया ने अपने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाया है, इसके अलावा भारत को आने वाली शिपिंग कॉस्ट को बढ़ा दिया है, तो अब भारत ने यूनाइटेड स्टेट के साथ में अपने ऑयल इंपोर्ट को सडनली बढ़ा दिया। एंड द मेन रीजन इज कि यूनाइटेड स्टेट के कंपैरिजन में रशिया से आने वाला तेल ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर मिल रहा है, तो हमें किसी भी देश से तेल खरीदें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भारत रशिया का कच्चा तेल नहीं खरीदेगा तो इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है रशिया की अर्थव्यवस्था पर। आज भी कई बड़े सैंक्शंस के साथ में रशिया झेल रहा है और भारत रशिया का करीब 50% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा कई और बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से रशिया ने अपने तेल की कीमतों को बढ़ाया है, जहां पर पिछले वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन हम बात करें यूनाइटेड स्टेट से होने वाले बड़े ट्रेड के बारे में, तो रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट के विजिट पर गए थे और वहां पर यूएस ने भारत के साथ में कई बड़ी डील्स को फाइनलाइज किया है। और ये सारी बड़ी डील्स की गई हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और अलग अलग सेक्टर्स में। और यूनाइटेड स्टेट भारत पर इतना ज्यादा मेहरबान इसलिए है क्योंकि भारत के साथ मिलकर के इजिली चाइना को काउंटर किया जा सकता है। ऑलरेडी चाइनीज अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट के कंपैरिजन में काफी तेजी से ऊपर जा रही है और चाइना को पीछे करना यूएस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। और भारत ऑलरेडी काफी बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना का, इसलिए भारत के अंदर यूएस ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और हम बात करें सिर्फ ऑयल डिपेंडेंसी की, तो बीते कुछ महीनों में भारत की ऑयल कंजम्पशन का करीब 42% अकेले रशिया से इंपोर्ट किया गया है, जो करीब 2.2 मिलियन बैरल पर डे है। लेकिन महंगे रेट की वजह से भारत ने यूएस के साथ में अपने ऑयल इंपोर्ट को बढ़ा दिया है, जो लास्ट मंथ में 1,38,000 बैरल पर डे था, वो अब 2,24,000 बैरल पर डे हो चुका है। जहां पर यूनाइटेड स्टेट के बाद अब भारत यूएई, सऊदी अरेबिया और इराक के साथ में अपने ऑयल इंपोर्ट को फिर से बढ़ाने की तैयारी में है, क्योंकि हमें अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करना है। इसके अलावा यूरोपीय देशों में हमें रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करना है, जिसके लिए जो क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए भारत इन सभी देशों से अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट को अब बढ़ा सकता है। बाकी रशिया के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।